हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हेलो। दोस्तों, मैं दोबारा फिर गांव आया हूँ और बताया था मैंने आपको, मेरी जो दादी है ज़्यादा तबीयत ख़राब है, सीरियस है। ये भाई को आम मिल गया। ये क्या मिला? आम आम मिल गया। ये हमें को आम मिल गया रास्ते में। आज जो है आज रामनवमी है, ठीक है। हमारे गांव में दुर्वासा ऋषि के नाम का मंदिर है, ठीक है। आज के दिन जो है ना झंडा चढ़ाया जाता है, जो जैसी मांग करता है उसकी पूरी हो जाने पे आज के दिन जो है झंडा चढ़ाते हैं। और आज के आप तो जानते ही हैं, हिंदू धर्म में रामनवमी तो पूजन भी होती है, तो आज वही हम जा रहे हैं दुर्वासा ऋषि। हम लोग जो है मंदिर के निकट पहुँच चुके हैं। मुँह हाथ धोना, मंदिर के बाहर जो है नल लगा हुआ सरकारी, मुँह हाथ धो के और प्रसाद लेके अंदर चलेंगे, फिर आपको भी मैं दिखाऊंगा। चलिए, 11 का एक कर दो, 21 का एक कर दो। दोस्तों ये है मंदिर, देख सकते हैं, जय दुर्वासा ऋषि राम दुर्गा मंदिर। और हम लोग जो है अब अंदर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे वाह, यहीं उतार दें चप्पल, यहीं उतार दें है ना। ये हमने यहाँ चप्पल उतार दी। कहाँ चप्पल? यहाँ इधर का रख दो, इधर यहाँ उतार दो। दोस्तों चप्पलें जो हम लोगों ने बाहर उतार दी, अब जो हम लोग है ना अंदर जा रहे हैं। लोग बाग देखो झंडा लेके आ रहे हैं, दुकानें लगी हुई हैं। अंदर चलेंगे, अंदर तो बहुत भीड़ है दोस्तों। ये अंदर जाने का प्रवेश द्वार, अंदर चलते हैं। यहाँ से अंदर जाएंगे, मंदिर मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। यह है हमारे दुर्वासा ऋषि जी, ये दुर्वासा ऋषि जी हैं। चढ़ा दो, नेक नेक चढ़ा दो। जाऊँ मैं तो नेक नेक चढ़ा दो, जाऊँ मैं चढ़ा दो, ठीक है। वोट दो, घंटा बजा दो। फिर उसके बाद बाहर निकलने के लिए रास्ता ये दिया गया हुआ। यहाँ पे लाइट जल रही है। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाइए यहाँ पे अपना। हाँ एक में कर लो, यहाँ चढ़ा दो। ये हैं श्री टेढ़ेश्वर महाराज, टेढ़ेश्वर महाराज, यहाँ चढ़ा दो। फिर उसके बाद दोस्तों जो है ये रास्ता यहाँ का जाने के लिए फिलहाल तो बंद कर रखा है। आइए आपको दिखा देता हूँ कुंड, इस मंदिर के पीछे जो है कुंड बना हुआ है। हो गया बस, ठीक है आ जाओ। छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, नीचे आ जाओ, नीचे उतरे। मंदिर के पीछे जो है कुंड बना हुआ है, ये नीचे जो रास्ता है जाने का है, ठीक है। नीचे चलते हैं, ये जो है मंदिर है पीछे। हम लोग जो है मंदिर के पीछे समय खड़े हुए हैं,
और ये जो है कुंड बना हुआ है, ये कुंड बता रहे हैं कभी सूखता नहीं, चाहे बिल्कुल भी थोड़ा बहुत पानी रह लेंगे रहेगा ज़रूर, इस समय भी जो है पानी ही है। ये रास्ता ये देखिए पूरा पूरा जो है इतना बड़ा कुंड बना रखा है। चलिए चलते हैं। यहाँ जो है हवन होती है, हवन किया जाता है दोस्तों, और जो ये जगह है जब भागवत होती है तो यहाँ पे बैठा बैठते भागवत गाते हैं, और जो यहाँ सामने हैं बैठते हैं, और यहाँ काफ़ी दूर दूर से जो लोग आए हैं, कोई दर्शन करने आया, कोई झंडा चढ़ा, इस तरह से झंडा चढ़ाया जाता है। देखिए ये देखिए इस तरह से जो झंडा चढ़ाया जाता है, मनोकामना पूर्ण हो जाती तो झंडा चढ़ाई। देखिए वह झंडा चढ़ा रखा है। ये ऊपर जाने का रास्ता, चलिए मंदिर के ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। ऊपर नहीं जाऊंगा, चलें बजाएगा मंदिर के बगल में जो है श्री अयोध्यानंद बाबा जी भी हैं। आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, ये जो है श्री अयोध्यानंद बाबा जी की मूर्त रखी हुई है। थोड़ा पास जाके दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पे जो है चिलम, आप देख सकते हैं चिलम है, ये बाबा जी चिलम मांगते हैं, इनको सिर्फ चिलम दम पीते थे श्री अयोध्यानंद बाबा जी। आइए दस मिनट, और यहाँ देखो दोस्तों बाजार भी लगता है, फिलहाल तो अभी बाजार नहीं लगा। ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, ये पूरी जगह में मेला लगता है। इसमें जो है दोस्तों मेला लगता है दिसंबर और जनवरी में ठंड के समय, ये पूरा जो है भर जाता है। आज जो है रामनवमी है इसलिए जो है इतना ही है। दोस्तों जो मैंने आपको ये अभी मंदिर देखा आपने, ये माना हुआ मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे जो दिल से मांगोगे वो पूर्ण होती है। ये तो देखो आप भी जानते हैं, कहीं भी किसी भी दिल से मांगो पूर्ण होती है। आज जो नवमी है इसलिए इतनी जो है चहल बहल हो रही है, वैसे चहल बहल होती रहती है। दिसंबर और जनवरी में भी मेला लगता है। ये जो पूरी जगह है मैदान पड़ी है, यहाँ पे मेला लगता है, और ये लोकेशन है दोवा एरबा कटरा की, ठीक है। मेरा भी गाँव यहीं है 1 किलोमीटर दूर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हो यार कमेंट करना, मंदिर कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मैं ऐसी व्लॉग वीडियो बनाता रहता हूँ, जहाँ भी घूमता हूँ कहीं भी जाता हूँ वीडियो बनाता रहता हूँ इसी तरह की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक बाय बाय।